हेलो दोस्तों, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मैंने अभी नीट की प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट किया है। अब 1.5 साल हो गए हैं नीट प्रिपरेशन करते हुए, पर यह सिर्फ कहने की बात है। एक्चुअल में मैंने अपनी प्रिपरेशन को कभी सीरियस लिया ही नहीं। 11th क्लास के स्टार्टिंग के 3 महीने को छोड़ दें तो उसके बाद मैंने अपनी कभी कंप्लीट अच्छे से कर ही नहीं पाया। मैं और मेरे बैकलॉग एक दूसरे का पीछा कभी छोड़ ही नहीं पाए। बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी होने लगी, कभी मेरे खुद के लापरवाही से तो कभी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गया, और इन सब से निकलने में मुझे महीनों लग जाते थे। पर अब बहुत रिग्रेट फील होता है। जब एग्ज़ाम होने में अब सिर्फ 205 डेज बाकी हैं, याद लगता है काश मैंने अपना टाइम दूसरी चीज़ों में वेस्ट नहीं किया होता। पर एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप क्लास 10th पास करके 11th में आते हो तो आपका डेडिकेशन और पैशन बहुत हाई होता है। पर जैसे जैसे टाइम निकलता है हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, ड्रीमिंग करने लगते हैं कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँगा, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, और फिर पढ़ाई को साइड करने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई बहुत टाइम बाकी है, बाद में कुछ ऐसा होगा जैसे सब सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, मैं सब कर लूँगा। पर यकीन करो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, और एक्चुअली में आप और बैकलॉग में फंसते जा रहे हो। इसलिए जो न्यू एस्पिरेंट है मैं उनसे यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करें। और मैं कभी कंसिस्टेंट कभी मैंने अभी टेस्ट भी नहीं दिया था। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट को भी मिस करता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है, मेरे नंबर कितने आएंगे। पर ये मेरी गलती थी दोस्तों, मुझे शुरू से ही टेस्ट देना चाहिए था। और अब मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है जो कि 3 अक्टूबर से होने वाला, उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये जो फिजिक्स के लेक्चर क्लिप देख रहे हो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और फिजिक्स से भी रिवाइज कर रहा हूँ। मैं कम्प्लीटली ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ दोस्तों, और मैं फिजिक्स MR सर से ही पढ़ता हूँ। और मैं ये वीडियो में इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ क्योंकि जो गलती मैंने पास्ट में किया है मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड हो जाए, जिसे मैं दोबारा उसे नहीं करूँ। मैं खुद से ये सब बातें करूँ जिसे मैं दोबारा गलती वो नहीं हो, और मैं अपना जर्नी को बहुत अच्छे से जो आने वाला जर्नी उसको कंप्लीट करूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे ज़रूर सही करूँगा।